हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और ये खेल एनालिटिक्स का नया वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाले सेकंड ओडीआई मैच के बारे में, जो कि कल यानी 11 जनवरी को खेला जाएगा। तो पिछला मैच आपने देखा था कि न्यूजीलैंड फेवरेट उतरे थे, पर पाकिस्तान को होम ग्राउंड का फायदा मिला और वो वहां पे मैच जीत गए। अभी देखना है कि कल के मैच में क्या होता है। फिलहाल रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं तो रिसेंट फॉर्म पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। पिछले 5 मैच खेले हैं, 5 में से 5 मैच जीते हैं। अब ये बात अलग है कि एक न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ, उसमें से फिर शायद दो तीन जो है ये से नीदरलैंड की टीम से हुआ था, पर जीत जीत होती है। और वहीं आप न्यूजीलैंड को देखें तो पिछले 5 मैच में से 2 मैच तो कोई रिजल्ट ही नहीं रहा, जो कि शायद इंडिया के साथ हुए थे, 2 हारे 1 जीते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं रिसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस की। रिसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस सबसे पहले पिछले मैच की बात करेंगे हम, जो कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में हुआ था। तो यहाँ से ब्रेसवेल आपके बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर पिक रहेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से, जिन्होंने 43 रन बनाए। टॉम लाथम इस समय एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पिछले मैच में 42 बनाए, ये 42 इनके हिसाब से काफी कम था। तो विकेट कीपिंग से भी आपको बैकअप देते हैं, काफी फॉर्म में, ये बहुत ही अच्छे प्लेयर है। ग्लेन फिलिप्स आपको अलग ही रोल में दिखे, विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे बल्कि बॉलिंग कर रहे थे, एक विकेट भी इन्हें मिल गया। अब ब्रेसवेल को देखिए, ब्रेसवेल को 2 विकेट भी मिले, टिम साउथी को 1 विकेट मिला। तो ब्रिसवेल एक आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर पिक रहते हैं। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की। तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 77 रन बनाए थे। फकर जमन ने 56 रन बनाए थे। अच्छा, ये फकर जमन जो है ना, इनका टीम में एंट्री मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि शान मसूद जो है वो कैप्टन मतलब वाइस कैप्टन थे और वाइस कैप्टन को ही ड्रॉप कर दिया गया, फकर जमान आ गए। फकर जमान काफी कैलिबर वाले प्लेयर हैं, जब भी मौका मिलता है अच्छे रन बनाते हैं। फिर बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर, 66 रन। अब देखिए नसीम शाह बॉलिंग में, मतलब ये जो बंदा है नसीम शाह, ये पाकिस्तान का नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है। कल 5 विकेट लिए, मतलब पे कल नहीं पिछले मैच में 5 विकेट लिए। फिर उसामा मीर ने 2 विकेट लिए, वसीम जूनियर ने 1 विकेट, नवाज को मिले 1 विकेट। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड के उससे पिछले मैच की। तो विलियमसन ने जो है इस मैच में 94 रन बनाए थे, टॉम लाथन ने 145 रन बनाए थे, लॉकी फर्गसन ने 3 विकेट लिए थे और टिम साउदी ने 3 विकेट लिए थे। ये मैच न्यूजीलैंड बहुत ही ज्यादा आसानी से जीत गई थी, बहुत ही बढ़िया चेज था। इंडियन टीम बिल्कुल अपनी जो कहते हैं कि हमारे जो बी टीम थी, जिसमें जिसके कप्तान शिखर धवन हुआ करते हैं, फिलहाल तो शिखर धवन भी ड्रॉप हो गए, तो वो गई थी और ये वहां से इतना रन बना करके जीत के चले हैं। अच्छा, पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बात करें तो मैंने क्या लास्ट रिकॉर्ड कंसिडर किया है, जो कि लास्ट मैच का है। और ये जो 2 मैचेस आपको दिख रहे हैं ना, मतलब वैसे तो मैं लास्ट 3 मैचेस दिखा था, पर ये जो विन और विन दिख रहा है, ये इसलिए नहीं कंसीडर किया है क्योंकि ये न्यूज एक तो नीदरलैंड के खिलाफ हुआ था, और पर टीम से ज्यादा बात ये कि इसमें भी जैसे इंडिया में बहुत सारे प्लेयरों को रेस्ट दे दिया जाता है, तो आप टीम देखोगे तो आपको अलग ही टीम दिखेगी, वो टीम और जो अभी की टीम है। तो बाबर आपको खेलते दिखेंगे, बाकी बाबर के रिकॉर्ड सबको पता है कि उनको ले नहीं रहता है, तो इसलिए उनको ऐड करने की जरूरत कुछ खास थी नहीं, तो मैंने उनको नहीं किया है। फिलहाल हेड टू हेड की बात कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर्स की। तो पाकिस्तान ने 3 मैच जीते, न्यूजीलैंड ने 4 मैच जीते हैं, बहुत ही मतलब कांटे की टक्कर रही है, और फिलहाल तो अभी पाकिस्तान ही जीत रही है न्यूजीलैंड से पिछले 3 मैच। फिर एवरेज विकेट की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान के 7.25 विकेट गिरे हैं, वहीं न्यूजीलैंड के 7 विकेट गिरे। तो मतलब आपकी टीम में मेन बॉलर्स होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी बैटिंग गिर जाती है, पूरी बैटिंग हर मैच में एवरेज तौर पर ध्वस्त हो जाती है दोनों टीम की। 8वें नंबर 9वें नंबर के बैट्समैन आके बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, मतलब बैटिंग करते हैं। तो ये जरूरी है कि हम अच्छे ऐसे क्वालिटी बॉलर्स लें जो कि इन स्कोर्स को मतलब इन इन विकेट्स को ले लें, वो मोस्टली वो ये कवर कर लें। फिर हेड टू हेड की बात करें तो लास्ट 5 मैच में से 3 पाकिस्तान जीती है, 2 न्यूजीलैंड जीती है। अब जरा प्लेयर परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, इसको देख के थोड़ा समझ में आएगा कि कौन कौन से बैट्समैन और कौन कौन से बॉलर आपकी ड्रीम टीम में होने चाहिए। तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज 2 मैच खेले हैं, 93 रन बनाए हैं, 93 का एवरेज है। फिर केन विलियमसन 19 मैच खेले हैं, सबसे ज्यादा अनुभवी प्लेयर है दोनों टीम में, हेड टू हेड में 965 रन, 64.3 का बहुत ही अच्छा एवरेज है, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं। हारिस सुहेल की बात कर ले तो 11 मैच खेले हैं, 477 रन, 47.7 का एवरेज, बहुत ही बढ़िया है। फखर जमान 8 मैच, 304 रन, 43.43, इसीलिए ये वाइस कैप्टन को ड्रॉप करके इनको ले लिया गया था, क्योंकि इनका एवरेज बढ़िया है। फिर बाबर आजम 11 मैच, 389 रन, 43.22 का एवरेज, जैसे मैं इनका फिगर ना भी देता तो भी इनको टीम में रखना ही पड़ता। फिर ये जो हमारे टॉम लाथम है, मतलब टॉम लाथम है हमारे, तो ये
इनका पुराना तो रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत ही एवरेज है, 16 में 280 रन, 24.5, पर एक मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे मेरे हिसाब से आपकी टीम के लिए, क्योंकि ये कभी भी इम्पैक्ट वाली पारी न्यूजीलैंड की तरफ से आपको दे सकते हैं। बॉलिंग की बात कर लें तो बॉलिंग में जैसे उधर बैट्समैन पाकिस्तान के दिख रहे थे, इसमें बॉलिंग में ज्यादातर न्यूजीलैंड के दिखेंगे। टिम सॉबी 17 मैच 26 विकेट, बहुत ही शानदार है। पसंद करते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तान की अगेंस्ट बॉलिंग करना। लोकी फर्गसन 9 मैच 14 विकेट, ये भी बहुत ही शानदार है। फिर हारिस सुहेल की बात कर लें तो हारिस जो है 11 मैच खेले 7 विकेट है, पर ये आपको रन भी देंगे, विकेट भी दे सकते हैं, खेलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, टीम में पिक रह सकते हैं। सैंटनर फिलहाल एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, सीवीसी चॉइसेस रहा करते हैं हम लोग हमारी जब हम T20 खेलते हैं, पर फिलहाल उतने कुछ इम्पैक्टफुल लग नहीं रहे, पर आप इनको फिर भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे प्लेयर है जिनको आप छोड़ नहीं सकते, तो आपको लेना ही पड़ेगा। फिर आते हैं नसीम शाह। अब नसीम शाह की क्या ही बात करना, 1 मैच खेला बंदे ने 5 विकेट ले लिया, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, मस्ट पिक। फिर स्टेडियम की बात करते हैं, कराची में होने वाला है मैच, नेशनल स्टेडियम कराची में। वैसे तो बहुत मीम बन रहे हैं इसके बारे में कि सपाट पिच रहेगी, रोड टाइप की रहेगी, पर बात करते हैं होगी कैसी, जैसी डिटेल्स मिली उस हिसाब से न्यूट्रल पिच होगी। मतलब अगर बैट्समैन सही से बैटिंग करेगा टाइम दे करके तो उस बैट्समैन को फायदा है, बॉलर लेंथ में फेंकेगा तो उसको बॉलिंग को फायदा है, स्पिनर को स्पिन कराएगा रिस्ट स्पिनर को फायदा मिलेगा, सेकंड बैट फ्रेंडली है, चेज में हो जाता है, ड्यू फैक्टर आ जाता है क्योंकि, और फिर एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल जो है वो 255 रन का है। 255 रन काफी अच्छा स्कोर है वनडे के लिए, मैं मानता हूँ कि 255 रन फिलहाल जस्ट अभी तो T20 बहुत ही ज्यादा हावी हो गया है, पर 255 रन इज अ गुड फाइटिंग टोटल आपकी अगर बॉलिंग जरा सी भी अच्छी है तो। और पाकिस्तान ने पिछले 3 मैच खेले इस वेन्यू पे, मतलब खेले तो 5 मैच है और काफी काफी समय के अंतर पे खेले, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी ज्यादा कोई मैच खेल नहीं रहा था। अभी पिछला मैच खेला है, फिर 2021 में खेला था, फिर 2019 में खेला था, तो तीनों मैच जीते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस आपकी बहुत ही ज्यादा कॉमन रहेगी, आपके डिफरेंशियल पिक्स ही काम आएंगे इस मैच में। तो बाबर आजम मस्ट पिक रहेंगे, विलियमसन मस्ट पिक रहेंगे, इसके सिवा आप टॉम लैथम को भी वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वो आपको विकेट कीपिंग में भी पॉइंट देके जाएंगे और अगर रन बनाते हैं तो वो आपके लिए बोनस रहेगा। उसके सिवा मेरे मानिए तो एक जो अलग से चॉइसेस रहेगी उसमें टिम साउदी को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, विकेट लेंगे लेकर के जाएंगे, और नसीम शाह को किसी जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। तो टिम साउदी भी एक बहुत ही अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रह सकते हैं आपके लिए। तो फिलहाल ये था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच प्रीव्यू सेकेंड ODI के लिए। आपने अभी तक हमारे पीछे प्रीव्यू अगर देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि वो काफी काम के, क्योंकि मोस्टली इधर जो 4-5 मैचेस हो रहे हैं तो वैसे ही हो रहे हैं जैसे हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था, तो उसके बेसिस पे बहुत ही अच्छी टीम बन सकती है। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैच से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यूट्यूब पे तुरंत तुरंत नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में पिन रहेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।